हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चे जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो, वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। आज हम समझने वाले हैं टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10 के प्रिपरेशन के दौरान करते हो, प्री बोर्ड्स में करते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी। 5 से 10 मिनट का सेशन है, एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी बदल जाए, हो सकता है कि ये गलती आप कर रहे हो और नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे यही सेम गलती कर रहे हो आपके साथ जो अब तक आपने रियलाइज भी नहीं किया, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे, विच आई एम श्योर कि आपको लगेगा, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस कहां मिलते हैं, यहीं पे मिलते हैं। और आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना चाहते हो ये कहते हुए कि यार आपको इसके बाद मेरे पढ़ाई के लिए एक पैसा खर्चा करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद संभाल सकता हूं, संभाल सकती हूं, तो बेटा सिंपल सी बात है, आपको लेना है एक एब्सोल्युटली फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट वेदांतों की ओर से, जो है मेगा वेदांतों स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो हो रहा है आपके शहर में। हाँ जी, तो ऑलमोस्ट हर शहर में हमारा टेस्ट सेंटर है जहां पे जाकर अपना टेस्ट दे सकते हो, और रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री है। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर रजिस्टर कर देना, जो हार्डली 30 सेकंड देता है। और साथ ही साथ एब्सोल्युटली अमेजिंग थिंग कि जो भी बच्चा इस टेस्ट को देगा अ शॉर्ट स्कॉलरशिप मिलेगा, और जितना अच्छा आपका स्कोर आएगा उतना ही ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा आपके जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए। मान लीजिए अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है और जेईई नीट की कोचिंग आप जानते हो 2 से 3 लाख तक जाता है, तो वो एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री हो जाती है, एंड यू विल बी एबल टू स्टडी विद दी वन ऑफ दी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिस कंट्री व्हिच इज गेटिंग इनटू ऑफलाइन राइट नाउ, वेदांतु, जिसमें आपका रैंक पक्का हो सकता है। तो जाइए अभी के अभी एमवी साइट में रजिस्टर करिए, और रजिस्ट्रेशन एब्सोल्युटली फ्री, जैसे मैंने कहा। साथ ही साथ आपको बहुत सारे और गुडीज भी मिल सकते हैं, जैसे ड्रोन्स, टेलीस्कोप्स एंड स्मार्ट वॉचेस, अलॉन्ग विद अ 5-डे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम विद ISRO। तो डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, गो फॉरवर्ड एंड रजिस्टर एमवी सेट राइट अवे। अब आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं ये 5 मिस्टेक्स कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं पहले मिस्टेक से, और मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने आपको इस बारे में बता दिया होगा, एंड दैट इज नथिंग एल्स बट नॉट टेकिंग एनसीईआरटी सीरियसली। अगर आप एनसीईआरटी को सीरियसली नहीं ले रहे हो तो बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सीबीएसई एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करती है और एनसीईआरटी का सिलेबस ही देती है। एनसीईआरटी का जो सवाल टेक्स्ट बुक के अंदर है, एक्सरसाइज में है, 90% पेपर आपका उसी के बेसिस में बनेगा, और हो सकता है कि बहुत सारे सवाल डिट्टो टू डिट्टो आए। ये हमें कैसे पता है, पिछले 10 से 15 साल के आप पेपर को एनालाइज करके देखो, आपको खुद भी समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। सिलेबस क्या है, एनसीईआरटी का है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है। एनसीईआरटी बोरिंग लगता है तो आप वन शॉट्स देख सकते हो यूट्यूब पे, जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, मैराथन्स देख सकते हो, उसके बाद एनसीईआरटी के सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि एंटरटेनमेंट भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। प्लीज मिस आउट मत करना। नंबर 2 मिस्टेक, विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, टेकिंग एनसीईआरटी वे टू सीरियसली। कुछ बच्चों को मैंने बोलते हुए देखा है कि सर मेरे तो एनसीईआरटी पढ़कर ही 98% आ गए थे। हाँ बेटा, आपके आ गए थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी को लेकर अच्छी थी। देखो यार, हर बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी, याद करने का तरीका, कितने देर याद रख सकते हो उसका तरीका, पढ़ने का तरीका सब अलग होता है। कुछ लोग एनसीईआरटी को पढ़कर ही बहुत कुछ समझ जाते हैं और कोई भी तरीके सवाल आ जाए आराम से कर लेते हैं, और फिर यही सबको बोला जाता है कि यार एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, है ना। बहुत बच्चों के लिए ट्रू है, लेकिन बहुत बच्चों के लिए ट्रू भी नहीं है। कुछ बच्चों को चीजें और समझने के लिए और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। यार मैथ्स की बात ले लो, मैथ्स में आप बहुत अच्छे होंगे, मुझसे बहुत अच्छे होंगे आप, क्योंकि मेरी मैथ्स अभी भी खराब है। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मेरा अभी ही मैथ्स खराब है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट का मेरे पल्ले पढ़ा ही नहीं। मेरे को बस बेसिक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आता है, उसमें भी कभी मैं गलती करता हूँ। एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आता मेरे को, बहुत डिफिकल्ट लगता है मेरे लिए। समझ रहे हो इस बात को आप। मैं जेईई पढ़ा चुका हूं, फिर भी मेरे को डर लगता है मैथ्स से। आई होप यू गेट द आइडिया। मेरे लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान थी, शायद आपके लिए हार्ड होगी। मेरे लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मुझे बहुत इजी लगता था, लेकिन जब 11th जाओगे आपको हार्ड लगेगा। कैलकुलस आपको शायद हार्ड लगे, मुझे बहुत इजी लगता था। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यार इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी ऑफ अस। तो एनसीईआरटी को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना। एनसीईआरटी करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी मत करिएगा। आपको समझना है कि आपको इसके साथ और प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको सीबीएसई का दिया हुआ सैंपल पेपर भी करना है, प्रैक्टिस पेपर भी करना है, सब कुछ करना है, ताकि आप प्री बोर्ड्स में नहीं सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स में फोड़ाफाड़ी मचाओ। प्री बोर्ड्स में तो मचाओगे मेरे पूरे यकीन, अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी मिस्टेक की तरफ, और वो है
प्री बोर्ड्स को सीरियसली ना लेना। बेटा देखो, प्री बोर्ड्स को सीरियस लेना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्कूल्स में एक प्री बोर्ड होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, सात होता है, मतलब भाई प्री बोर्ड्स का स्वयंवर लगा हुआ है, समझ लो वैसे हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारे प्री बोर्ड्स क्यों दिए जाते हैं? कि आपके आपको प्रैक्टिस मिले। आप मॉक पेपर सर्च करते हो गूगल में, क्यों करना है भाई? प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, प्री बोर्ड्स के लिए तैयारी करो। प्री बोर्ड्स में जितना आप अच्छा करोगे उससे 10-15% ज्यादा ही बेहतर करोगे बोर्ड्स में, क्योंकि पेपर उतना ही ईजी आता है, चेकिंग भी उतनी ईजी होती है बोर्ड्स की। प्री बोर्ड्स का चेकिंग भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके स्कूल के टीचर्स आपको चेक करते हैं, खुन्नस निकालेंगे आप पे, ऑफकोर्स ही बात है, आपने इज्जत नहीं दी उनको, जस्ट किडिंग। तो भाई समझ रहे हो, तो पढ़ाई अच्छे से करने का, फोड़ने का, प्री बोर्ड्स पे तैयारी करने का, सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो प्री बोर्ड से पहले, बोर्ड्स काफी अच्छा जाएगा। फोर्थ मिस्टेक विच आई वुड लाइक टू रीइटरेट, प्री बोर्ड्स को ज्यादा सीरियसली लेना। पहली बात, प्री बोर्ड से पहले जब बच्चे प्री बोर्ड्स को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, फिर उसके बाद प्री बोर्ड्स की पढ़ाई होती है ना फिर बोर्ड्स की। बेटा प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, इतना नहीं कि जान पे आ जाए, ठीक है। वो है ना कि बच्चे की जान लोगे क्या? तो आप लोग बच्चे हो, इतना पावर नहीं देना प्री बोर्ड्स को कि आपकी जान ले ले। इंपॉर्टेंट है भाई, जिंदगी में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, माँ बाप भी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, अपनी जिंदगी भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वक्त देना चाहिए उतना वक्त दो, उससे ज्यादा स्ट्रेस मत लो। प्री बोर्ड्स हो जाने के बाद उसके रिजल्ट्स को देखे और स्ट्रेस होता है, क्योंकि प्री बोर्ड्स की चेकिंग हार्ड होती है, पेपर भी हार्ड होता है ना, तो और स्ट्रेस में आ जाते हो और डिप्रेशन में आ जाते हो, फिर डाउट होने लगता है अपने आप पे कि भाई बोर्ड्स अच्छा जाएगा कि नहीं। इतना सीरियसली लेना प्री बोर्ड्स को, प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपका पेपर इजी आएगा, आपके मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे, बिल्कुल है, प्री बोर्ड सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है भाई, नाम में है, बोर्ड से पहले का बोर्ड प्री बोर्ड, खत्म, कुछ और नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस और इज्जत नहीं देते प्री बोर्ड्स को, समझे बबुआ? समझ गए ना? अब आगे बढ़ते हैं पांचवें मिस्टेक की। अब यार अगर सारे मिस्टेक मैं ही बताऊंगा तो आप क्या करोगे, और मुझे पता है कि आप सबने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक जरूर 10th में किया होगा, तो चार मिस्टेक मैंने बता दिया जो शायद आप कर सकते हो या कर रहे हो या करने वाले हो। पांचवा मिस्टेक आप बताइए, आपकी जिंदगी में आपने क्लास 10th में ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक कर ली या कर रहे हो जो आपको लगता है कि आपके बाकी दोस्तों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? बचाओ भाई, आपको सिर्फ आप ही बचा सकते हो। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, मेक श्योर टू द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ, लेट मी नो द कमेंट्स क्या है आपका मिस्टेक और इन चारों मिस्टेक्स में से आप क्या कर रहे थे। एमबी साइड में रजिस्टर करना बिल्कुल मत भूलना, ये तो ऐसी होगी भाई सोने की मुर्गी आपके पास आ रही है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी आपके पास आ रही है और आप बोल रहे हो चला जाए। पीस।